Good morning students. Today we are going to study the preparation methods of ethers. The first method of preparation is dehydration of alcohols. अच्छा, इससे पहले हमने अल्कोहल में पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पर उस समय आपको याद होगा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमको एल्कीन मिल रहा था. तो इसमें कंडीशन बहुत ज़रूरी है, रिएक्शन कंडीशन, क्योंकि अगर रिएक्शन कंडीशन थोड़ा भी चेंज हुआ तो हमको ईथर नहीं मिलेगा, हमको एल्कीन मिल जाएगा. ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन क्या है? अगर हमारे पास अल्कोहल है और उसका रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एट 443 केल्विन. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कोई ना कोई प्रोटोनिक एसिड होना चाहिए. प्रोटोनिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो प्रोटॉन दे सकता हो. ठीक है, प्रोटोनिक एसिड मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, क्योंकि हमने लुईस एसिड भी पढ़ा था ना, लुईस एसिड प्रोटॉन नहीं देता है, याद है? तो प्रोटोनिक एसिड चाहिए. प्रोटोनिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. तो यहाँ हमने कौन सा लिया, H2SO4, H3PO4 भी यूज़ कर सकते हैं. तो अल्कोहल का रिएक्शन जब हम किसी प्रोटोनिक एसिड के साथ कराते हैं तो टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अगर टेम्परेचर 443 केल्विन हुआ तो हमको यहाँ पर ईथर नहीं एल्कीन मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं. पर अगर टेम्परेचर हमने लो रखा, एट लो टेम्परेचर जो है अल्कोहल से हमको ईथर मिलता है, तो ये मिलेगा CH3CH2O CH2CH3. ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिल गया, ईथर, और इस केस में एल्कीन. ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन बहुत ज़रूरी है अल्कोहल के डिहाइड्रेशन, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन चेंज होगी तो हमको ईथर नहीं मिलेगा, हमको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा. सो दिस इज़ क्लियर टू यू पेपर कि अल्कोहल का रिएक्शन हमको किस टेम्परेचर पर कराना है, 413 केल्विन में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, विथ प्रोटोनिक एसिड, प्रेजेंस नहीं बोलेंगे, विथ प्रोटोनिक एसिड, तो हमको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा. पर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमको क्या मिलेगा, एल्कीन. तो इसमें रिएक्शन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमको अल्कोहल एक्सेस में लेना है, हमको ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल होना चाहिए. तीसरा है कि जो अल्कोहल है उसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए. स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स लाइक सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना. आपको स्टेरिक हिंड्रेंस इससे पहले वाले चैप्टर में बता दिए थे, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है. अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता ये, तो देखो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया, बढ़ गया. टर्शियरी अल्कोहल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ जाएगा. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंड्रेंस कम होना चाहिए. जो हम अल्कोहल ले रहे हैं जिसमें हमको ईथर बनाना है, उसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत कम होना चाहिए. तो इसमें रिएक्शन कंडीशन, तीन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंडीशन है, पहला रिएक्शन कंडीशन जो है लो टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है, अगर आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमको ईथर की जगह क्या मिलने लगेगा, एल्कीन मिलने लगेगा. तो फर्स्ट रिएक्शन कंडीशन जो है वो लो टेम्परेचर, दूसरा हमको एक्सेस में अल्कोहल का यूज़ करना है. अल्कोहल शुड बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. ठीक है, और थर्ड जो है देयर शुड बी नो हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, द एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड. तो इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही आप ईथर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल जो हैं वो क्या दे देते हैं, एल्कीन दे देते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है. तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होता, SN1 रिएक्शन हो जाता है इस हिंड्रेंस की वजह से, जिससे अल्कोहल से हमको क्या मिलता है, एल्कीन, ईथर नहीं मिलता. तो इट इज़ सुटेबल फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल ओनली. फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल वी कैन मेक द ईथर, वी कैन कन्वर्ट द प्राइमरी अल्कोहल इनटू ईथर बाय दिस मेथड. सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल से हमको ईथर नहीं मिल सकता बाय दिस मेथड. क्लियर हुआ इतना, अल्कोहल से ईथर बनाना. अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ट्रीट दिस अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर 403 केल्विन, देन विल फाइंड दी ईथर. और जनरली इससे हमको सिमिट्रिकल ईथर मिलता है,
कैसा ईथर मिलता है इनसे हमको? सिमेट्रिकल ईथर ही मिलता है। इसमें रिएक्शन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर लो होना चाहिए, एक्सेस में हमको यूज़ करना है अल्कोहल, और तीसरा है एल्काइल ग्रुप में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं देखो यहाँ पर इस कार्बन से, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, अल्कोहल से हमको एल्कीन मिलता है, ईथर नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, जब ऐसी जो अल्कोहल है वो कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर एस एन टू रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एस एन टू रिएक्शन होता है। और आपको पता होगा इससे पहले जब मैंने एस एन टू मैकेनिज़म पढ़ाया था आपको, एस एन टू मैकेनिज़म जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में बहुत ईजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, पर जैसे जैसे हम टर्शियरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने की वजह से एस एन टू रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है या नहीं होता है। याद है आपको एस एन टू मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो वही है यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो कन्वर्शन हो रहा है इट इज़ एस एन टू रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर? एस एन टू रिएक्शन हो रहा है। तो एस एन टू रिएक्शन कब होता है? जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाता है एस एन टू रिएक्शन नहीं होता, फिर एस एन वन रिएक्शन हो जाता है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, उसमें एस एन वन रिएक्शन होने की वजह से हमको अल्कोहल नहीं एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। ये सारा चीज़ आपकी बुक में भी लिखा है, आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसके हम मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म में मतलब अल्कोहल से ईथर बनने में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो होते हैं। स्टेप्स बहुत इजी हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है। पहला जो है अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, दूसरा एस एन टू रिएक्शन होगा, और थर्ड में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म जो पहला स्टेप है इट इज अ प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेगा H प्लस के साथ, जो H प्लस किसमें प्रेजेंट है? एसिड, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें H प्लस प्रेजेंट होगा, इसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, इसको ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको दे दिया। तो यहाँ पर हो गया प्रोटोनेशन। अब देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा, और ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप हम पहले भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज़ दी प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसको क्या बोलते थे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को के ऊपर जो है दूसरा अल्कोहल विच इज़ नॉट प्रोटोनेटेड वो अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में होता है एस एन टू रिएक्शन। मतलब कोई न्यूक्लियो, अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इस पर क्या करेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं कौन सा, इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? दिस अल्कोहल ओनली एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अलग हो जाएगा। अब इसके पास क्या हो गया? पॉजिटिव साइन हो गया, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये क्या करेगा? इसके अटैक करेगा यहाँ पर से, ठीक है, और जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं? ये जो ऑक्सीजन है इसके पास प्लस साइन है इलेक्ट्रो पर, ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अलग हो जाएगा, H2O बना लेगा, ठीक है। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, प्लस साइन हो गया, तो ये जो ऑक्सीजन है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस पे जाके अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, ठीक है, ये CH3CH2 यहाँ आया और ये पूरा का पूरा वहाँ चला गया, तो ये बनेगा CH2CH3 और इस ऑक्सीजन पे देखो H भी जुड़ा हुआ है, तो ये H, ठीक है। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, इसलिए इसके पास क्या हो गया, अब एक ही लोन पेयर बचा, और क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए इस पर पॉजिटिव साइन आ गया। क्लियर हुआ, एक बार फिर से बोल दे, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनेशन समझ में आ गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दिए और वो उसने क्या बना लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ गया, क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिए, इसके पास अभी सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा है। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे नॉर्मल जो अल्कोहल है वो अटैक करेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा और अलग हो जाएगा, वाटर बना लेगा, यहाँ से अलग हो गया। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये जो है इस पे जाके अटैच हो जाएगा, तो देखो ये क्या बना, ये इसके साथ अटैच हो गया, तो वो बना हमारा फाइनली, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए हैं, तो इस पे कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव, और सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा है इसके पास, ठीक है। अब थर्ड जो होगा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव साइन है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना, CH3CH2OH+, ठीक है, एसिड हमको फिर से मिल गया, तो ये फाइनली हमको क्या मिला, ईथर मिल गया, इथॉक्सीएथेन मिल गया। तो ये तीन स्टेप में होता है, पहला क्या हो गया है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा SN2 रिएक्शन हो रहा है जिसमें ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे ये न्यूक्लियोफाइल जाके क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अब ये जो है बहुत ही अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरे कर लेगा और ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। ये जो प्रोटॉन होते हैं ना हमेशा जाने के लिए रेडी होते हैं, जो इस तरीके हाइड्रोजन होते हैं ना, ये हमेशा रेडी होते हैं निकलने के लिए, तो वो निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो ये तीन स्टेप में ये रिएक्शन होता है, इसमें ये दोनों स्टेप तो फास्ट होते हैं, दिस इज़ दी स्लो रिएक्शन, इन तीनों में से ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए दिस स्टेप, सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग मतलब ये स्टेप स्लो होगा, फास्ट होगा, कितनी देर में होगा, कितना टाइम लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो निकालने के लिए हमारा कौन सा है, ये सेकेंड स्टेप, क्योंकि यही स्लो है, ये तो तुरंत तुरंत हो जाते हैं, इनको होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेकेंडों में हो जाएंगे, बट ये रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यही बताता है कि रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा। इतना क्लियर हुआ, तो ये था मैकेनिज्म। अब इसका लास्ट जो पॉइंट बचा है वो है लिमिटेशन, इस मेथड का लिमिटेशन ये है कि इससे हमको सिर्फ सिमेट्रिकल ही ईथर मिल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने जाओगे ना तो यू विल गेट मिक्स कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। सो लिमिटेशन अगर मैं बात करूँ इसकी, सो लिमिटेशन है ओनली सिमेट्रिकल ईथर, सॉरी सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जन, ओनली सिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड जनरली। अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने जाएंगे ना तो मिक्सचर मिलता है हमको, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो अब आपको लगेगा ये और ये बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है, इसमें मिक्सचर मिलता है, CH3O C2H5 भी मिल सकता है, CH3O CH3 भी मिल सकता है और C2H5O C2H5, तीन तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो हमको मिक्सचर मिलता है ईथर्स का, इसलिए ये इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अनसिमेंट, इसको बेसिकली हम सिमेंट सूटेबल बोल सकते हैं, सूटेबल
for the formation of symmetrical ethers. ठीक है, symmetrical ether बनाने के लिए ये method suitable है, unsymmetrical के लिए it is not suitable. Why? Because we get mixture of ethers. If we want to try to synthesis or to prepare the unsymmetrical ethers, we find the mixture of different ether. That's why it is not suitable method to prepare the unsymmetrical ethers. Okay, this is the limitation for this method, dehydration of alcohol. ठीक है, अब जो next है वो है Williamson synthesis. तो इतना समझ में आ गया, हम next देखते हैं. जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है इट इज़ अ विलियमसन सिंथेसिस मेथड. ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है टू प्रिपेयर दी सिंथेस ईथर्स इन दी लेबोरेटरी. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर दी ईथर्स. नेक्स्ट है, इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड जो होता है, सोडियम एल्कोक्साइड आपको पता होगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड जो है एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं. इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इसमें जो एल्कोक्साइड आयन है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है और हमको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा. तो देखो यहाँ से ये और ये, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaX, और क्या बनेगा, ROR प्लस NaX. इवन आप यहाँ पर दूसरे टाइप का भी अल्काइल यूज़ कर सकते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा. ठीक है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है इसमें, और उससे हमको क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है. एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक बार सोडियम इथॉक्साइड ले लेते हैं. सोडियम इथॉक्साइड लिया है और मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, तो यहाँ से Na और Br अलग हो के NaBr बना लेंगे और क्या बनेगा, CH3CH2OCH3 प्लस NaBr. सो व्हाट इज दिस, दिस इज मेथिल एथिल मिथाइल इथाइल ईथर. क्या नाम है इसका, मिथाइल इथाइल ईथर बन गया. ठीक है, तो समझ में आया, ये रिएक्शन बहुत मुश्किल नहीं है. यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड और एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, और कैसा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए. सो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर कौन अटैक करता है, सोडियम एल्कोक्साइड, जैसे मैंने यहाँ पर लिया सोडियम एथॉक्साइड. ठीक है, तो सोडियम एल्कोक्साइड जो है प्राइमरी हैलाइड पर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा. यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है. तो बेसिकली ये जो मेथड है, अगर आप इससे अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल एल्किन बनाना चाहते हो तो हमको क्या लेना चाहिए, प्राइमरी एलाइड ही, उससे हमको अच्छा यील्ड मिलता है, बेस्ट यील्ड मिलता है. ठीक है, बट अगर हम इसकी जगह प्राइमरी हैलाइड की जगह सेकेंडरी हैलाइड या फिर टर्शरी हैलाइड लेते हैं तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है. क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर हम कौन सा हैलाइड ले रहे हैं, दिस इज़ दी प्राइमरी हैलाइड. अगर इस प्राइमरी हैलाइड की जगह आप सेकेंडरी हैलाइड लेते हैं या टर्शरी हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेने से तो ईथर बन जाएगा, पर अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं या फिर एल्काइल हैलाइड या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमको ईथर नहीं मिलता है. ठीक है, विल नॉट गेट ईथर एज अ प्रोडक्ट इन दिस केस. कौन से केस में, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में. इस केस में हमको एल्कीन मिल जाता है, ईथर नहीं मिलता. क्या मिलता है, एल्कीन. और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन. तो ये इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तब तो SN2 रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बट अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या वहाँ पर टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेंगे तो फिर वहाँ पर
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, दिस इज़ दी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और किसका रिएक्शन हो रहा है, दिस इज दी टर्शरी एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड आयन। तो अगर ये जो एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड टर्शरी होगा तो भी चलेगा, बट जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वही क्या होना चाहिए, प्राइमरी। तब क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है एल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी है, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड आयन से, ठीक है। ये टर्शरी एल्कोक्साइड आयन है, समझ में आ गया, सोडियम एल्कोक्साइड आयन। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि बी आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो पूरा का पूरा यहाँ तक तो रहेगा ही, ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, देखो वो प्रोडक्ट बन गया, उसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, और एन ए बी आर भी बनेगा। पर अगर हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, तब इस केस में ईथर नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिया टर्शरी एल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड आयन से, दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड, है ना। तो सोडियम मिथॉक्साइड है और टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सो एलिमिनेशन में क्या होगा, ये जो बी आर है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके निकल जाएगा, इस पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये क्या कार्बन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन अलग हो गया। यहाँ पर भी देखो एन ए अलग हो जाएगा और ये जो ओ है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है। ये O किसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन, इस O के पास भी क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। Br यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, अलग हो गया, इसी पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो देखो क्या क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CCH3CH3, ठीक है। और क्या बना, ये C2O और उसके साथ ये H आ गया, ठीक। और क्या बना, ये Na और Br, तो ये बन गया NaBr। तो अब हमको ईथर मिला क्या, नहीं, हमको एल्कोहल मिल गया, एल्कीन मिल गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो हमको एल्कीन मिल जाता है, बट अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के ही केस में हमको क्या मिलता है, ईथर। तो ये जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी अगर आ गया विलियमसन एक्सेंथेसिस पे, है ना, आपको बोला कि जो सोडियम एल्कोक्साइड आयन है अगर वो टर्शरी या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या ईथर बनेगा, तो नहीं, ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा उस केस में, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। पर अगर हमारा जो सोडियम एल्कोक्साइड आयन है वो टर्शरी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा एल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट था लिमिटेशन। अच्छा, इस रिएक्शन से आप फिनॉल को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, फिनॉल्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईथर में इसी मेथड से। कैसे, बहुत ईजी रिएक्शन है उसका। पहले जो ये फिनॉल है उसको हम सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फिनॉल का कन्वर्शन करेंगे फिनॉक्साइड आयन में। जनरली जो फिनॉल है उसमें हम ऐसे ही रिएक्शन कराते हैं, पहले फिनॉल का रिएक्शन फिनॉक्साइड NaOH से कराते हैं ताकि फिनॉक्साइड आयन मिले, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हमको मिल गया फिनॉक्साइड आयन। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड से। तो ये इधर चला गया इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा, तो क्या बनेगा, ओ आर प्लस एन ए एक्स, तो बन गया हमारा ईथर, बन गया एरोमेटिक ईथर बन गया।
तो इस तरीके से हम फिनॉल से भी क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। क्लियर हुआ? फिनॉल से ईथर बनाने के लिए पहले फिनॉल को हम क्या बनाएंगे, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, फिर एल्काइल हैलाइड से कराने से हमको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। सो फिनॉल्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इंटू ईथर बाई दिस विलियमसन मैथड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अगली क्लास में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।